सोपुर पुलिस ने दो ट्रक पेडलर्स के साथ एक लड़की को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार लड़की बटपुरा सोपुर के नशा तस्करों की है मास्टरमाइंड। बनिहाल रेलवे स्टेशन के पास मनीहदू पावर प्रोजेक्ट के अधिकारियों की लापरवाही, करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने प्रोजेक्ट कंपनी के खिलाफ निकाला प्रदर्शन। कश्मीर की वादियों में खो रहे पर्यटक, गुलमर्ग में बर्फ तो दूधपत्री में अद्भुत हरियाली के नजारे ले रहे पर्यटक। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, नितिन गडकरी और वीके सिंह ने माता के दरबार में टेका माथा, सुख शांति की कामना। लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा ने कुशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डे का किया दौरा। वह प्री समिट में भाग लेने आने वाले Y20 प्रतिनिधियों के लिए तैयार कार्यों और व्यवस्था की समीक्षा। लद्दाख में G20 समिट 26 अप्रैल से 28 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। जम्मू में NGO सुहंग खुशी अमर सोसाइटी ने खटिका तालाब में जरूरतमंद विधवा महिला की मानवीय मदद की। NGO द्वारा विधवा महिला को घरेलू सामान वितरित किया गया। कश्मीर के बारामूला में लश्कर के दो आतंकी गिरफ्तार, IED और 20 कारतूस बरामद। बांदीपुरा के वटपुरा क्षेत्र के लोगों के लिए CRPF 3rd बटालियन द्वारा एक मेगा फ्री मेडिकल कैंप का किया गया आयोजन, जहां लोगों के स्वास्थ्य जांच के साथ उन्हें फ्री दवाइयां भी वितरित की गईं। बाबा अमरनाथ के श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अमरनाथ गुफा तक सड़क बनाने के प्रस्ताव पर लगाई मुहर। सड़क बन जाने से 3 दिन की अमरनाथ यात्रा होगी 8 घंटे में पूरी। पुंछ जिले के केरनी शाहपुर सेक्टर में LSV पार कर पाकिस्तान से घुसपैठ कर आए हीरोइन के तस्कर को धर दबोचा गया, बरामद की गई 17 kg हीरोइन। केंद्र मंत्री नितिन गडकरी, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह व वीके सिंह द्वारा बनिहाल का किया गया दौरा।